हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज एली एजुकेशन। आज हम यहाँ पे पटना एम्स वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की वैकेंसी इन्होंने निकाली है और इस वैकेंसी का पे स्केल 25,500 से लेकर के 81,100 का पेमेंट है और ये ग्रुप सी डिवीज़न में आता है। एंड प्लस इसमें बताया गया है कि एज लिमिट जो है वो आपका 18 से 30 इयर्स है और एज रिलैक्स 40 इयर्स है उन लोगों के लिए जो लोग पटना एम्स में काम करते हैं। और यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 10 है और उसका जो रिजर्वेशन है वो आपका UR 5 है, EWS 1 है एंड OBC 3 एंड SC 1 है। और ये इसका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपका रिटन टेस्ट पे होने वाला है और इसमें क्वालिफिकेशंस की जो ज़रूरत है वो इन्हें बताई गई है। 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, वो भी साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मेडिकल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए जो आप कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किए हो, वहाँ का रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट एक होना चाहिए कोर्स का, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जनरल कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि एक ऑनलाइन मोड है, इसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें करना है और ये 7 जून 2020 के रात के 12 बजे तक हमें इसे ऑनलाइन भेज देना है, वो उसकी आखिरी तारीख है भेजने की। और ये भी बोला गया है कि इसका फॉर्म जब आप भर लेते हो तो उसका प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख ले और जो भी ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो तो उसका रिसिप्ट भी आप रखें और ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट जब जाएंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए तो उन्हें अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। एप्लीकेशन फीस में ये भी बताया गया है एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस को 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड जनरल एंड ओबीसी के लिए 1,000 रुपीज़ है और एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक्सटेंशन है। जितना मांगा गया है यहाँ पे एप्लीकेशन फीस उतना आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे बताया गया है जो आपको यहाँ पे बोला गया है एससी एसटी 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 इयर्स है, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी के लिए 15 इयर्स है। बाकी का सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हो। यह चीज़ यहाँ पे एक बहुत अच्छा बताया गया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाई करना है और साथ ही साथ कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर है, कितना मार्क्स है वो भी बताया गया है और कितना घंटे के लिए है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पे पूरा जो एग्ज़ाम का समय है वो आपका 2 आवर्स का है और यहाँ पे बता रहा है जैसा कि पार्ट ए है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है जो 20 मार्क्स का होगा। बी में बता रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 10 मार्क्स का होगा। सी में बता रहा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो 20 मार्क्स का होगा एंड डी में बोल रहा है सब्जेक्ट नॉलेज जो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप जैसे कि यहाँ पे देख ही रहे हो, जब आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर लोगे तो उसमें भी सारा सब्जेक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ाई करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पे क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर अप करना है, ये सारा चीज़ वहाँ पर लिखा है। फ्रेंड्स, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है और ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म अगर आपको चाहिए और इसका जो पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप पटना एम्स के मेन वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप वहाँ से ऑनलाइन अपना फॉर्म को भर सकते हो और अपना एग्ज़ाम्स लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू ये चैनल को वॉच करने के लिए। और आपको इसी तरह के और भी वैकेंसीज़ के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट पे बताइए ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए वैकेंसीज़ के बारे में बताऊं। थैंक यू।